ओके हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना सेकंड पार्ट 1.2 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोग का सेकंड लेसन क्या था, 1.2 डिक विटिंगटन एंड हिज स्केच। चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि स्टोरी में क्या था, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या था और अभी क्या होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पुअर बॉय था डिक विटिंगटन नाम का। ठीक है, वो एक स्मॉल विलेज में रहता था इंग्लैंड के, और उसको क्या चाहिए था, रिच बनना था, क्योंकि जो विलेजर्स थे उसके साथ से अच्छा बिहेव नहीं करते थे। उसके बाद में क्या करता है, लंदन से निकलता है, देन उसको एक कर्टर मिलता है, एक कर्टियर मिलता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि मेरे साथ चलो जाते हैं, फिर दोनों रुकते, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। देन ये घूमते घूमते एक क्या कौन था, एक बिजनेसमैन था, कार्गो बिजनेस समथिंग कुछ था उनका, हाँ मर्चेंट था सॉरी, तो फिर उसके पास जाता है। उसके यहाँ पे उसको कुक का क्या मिलता है, जॉब मिल जाता है। फिर वो जो वहाँ पे कुक थी उससे क्या होता है, परेशान होके ये क्या होता है, फिर घर से निकल जाता है। लेकिन आगे जाता है तो वहाँ पे एक चर्च होता है जहाँ पे बेल रिंग होता है। उसके बाद में उसको सुनाई देता है, इसके साथ में इसकी एक कैट भी रहती है ना, तो बोलता है कि अगर तुमको क्या बनना है, अच्छा से अच्छा मेंबर रिच पर्सन बनना है, तो तुम वापस वहाँ पर जाओ। फिर लास्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जो मिस्टर, फिर वो वापस से घर जाता है, और जो मिस्टर फिट्स वॉरेन थे वो क्या कर रहे थे, शिप में सबके एक एक सामान बेच रहे थे बेचने के लिए, और उसका जो भी पैसा मिलता तो वो उनको दे देते थे, और अगर नहीं मिलता तो उसको क्या करते, घर पर रिटर्न। अभी हमारा यहाँ से सेकेंड पार्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, वन डे ही कॉल हिज हाउस होल्ड टुगेदर, आई एम सेंडिंग अ शिप टू अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। तो एक दिन जो मिस्टर फ्रीजन है वो सबको क्या बोलते हैं, ए सबको हाउस होल्ड जो भी है उनके सबको साथ में बुलाते हैं, और जो हाउस होल्ड थे ठीक है, और बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेंडिंग अ शिप टू अफ्रीकन कोस्ट ट्रेड। अफ्रीकन कोस्ट ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार होता है ठीक है, तो अफ्रीका से उनको जो भी ट्रेड करना था शिप वहाँ पर भेज रहे हैं। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग टू योर योर ऑन इट, तो बोलते कि आप लोगों को कुछ सेंड करना है क्या वहाँ अफ्रीका में जो तुम्हारा हो, समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट जो आपका ही हो, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ़ द वॉयज इज सक्सेसफुल। बोलते कि अगर ये वॉयज जो सामान जा रहा है कैरी चुके, अगर ये हमारा बिजनेस ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तो आप लोग जो अपना सामान भेजोगे आपका उसका प्रॉफिट भी सक्सेसफुली मिलेगा। ठीक है, एवरी वन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट द डिक, अभी डिक को छोड़ के एक्सेप्ट द डिक बाकी जो भी लोग थे कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, ला रहे थे, हु हैड नथिंग टू ऑफर। और जो डिक है वो क्यों नहीं ला रहा था, क्योंकि हु हैड नथिंग टू ऑफर, उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, तो फिर डिक को पूछता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है कोई चीज़, आस्क मिस्टर फिट्स वॉरेन काइंडली, जो मिस्टर फिट्स वॉरेन है उसको एकदम प्यार से पूछते हैं। एंड डिक रिप्लाई ओनली माई कैट, और क्योंकि डिक के पास सिर्फ उसका खुद का क्या होता है, एक कैट होता है जो उसने वहाँ के ही पैसे से कमा के लिया हुआ था, तो बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ मेरा क्या है, कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्स वॉरेन, तो जो मिस्टर फिट्स वॉरेन है ठीक है वो क्या करें, उन्होंने बोला कि तो फिर तुम अपने कैट को क्या करो, शिप में भेज दो। हाँ, हिज डॉटर, अभी देखो किसकी डॉटर की बात हो रही है, जो मिस्टर फिट्स वॉरेन थे उसकी डॉटर एलिसा, ठीक है। एलिसा सेड डिक लव हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, तो फिर जो डिक है, जो एलिसा है डॉटर उसकी, उसने क्या बोला कि जो डिक है वो लव्स हिज कैट, वो अपने कैट को बहुत प्यार करता है, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, बोलते कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आती हूँ जो वो आपको दे सके। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हीज, लेकिन जो उसके फादर है वो क्या बोलते हैं, नो ऐसा नहीं चलेगा, इट मस्ट बी इन हीज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, ये जो भी मैं सामान लेके जाऊँगा वो उसके खुद का होना चाहिए, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, वो किसी और से संबंधित होना नहीं चाहिए। ठीक है, डिक सो डिक फेच्ड हिज कैश एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, तो फिर डिक क्या करता है, अपनी कैट को भेज देता है और उसको गुड बाय बोलता है एकदम सैड होके, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या होता है, उसका कैट ही होता है। द कैप्टन ऑफ शीप्स वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर एंड सो
ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज। अब यहाँ पे जो कैप्टन था शिप का, वो क्या होता है, बहुत ही डिलाइटेड, खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो कैट है वो बहुत ही एक्सीलेंट कैट थी। किसमें? माउजर में। किसमें? माउजर में। देखो अब माउजर का मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट कैच माइस, एक ऐसा एनिमल जो माइस मतलब जो चूहे होते हैं, रैट होते हैं, उनको पकड़ लेती है बहुत ही अच्छे से। तो ये जो कैट थी डिक की, वो क्या थी, माउजर थी, एक्सीलेंट थी, वो हर हर एक चूहे को, रैट माइस जो भी होता था, सबको पकड़ के खा लेती थी। सो ही हैड नो ट्रबल विद द रैट एंड माइस ऑन हिज वॉयज। तो जो कैप्टन है उसको कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी नहीं होती अगर उसके कोई भी वॉयज में मतलब कि शिप में अगर जो रैट या माइस आ जाता। तो आफ्टर सब मंथ ऑफ शिप अराइव एट अ प्लेस ऑन अफ्रीकन कोस्ट। अभी देखो जहाँ पे उनको जाना था अफ्रीकन कोस्ट में, कुछ महीने के बाद क्या होता है, उनकी शिप वहाँ पे अराइव्ड हो जाती है मतलब पहुँच जाती है, बारबेरी, देखो वो प्लेस का नाम है, वेयर पीपल कॉल्ड मूर्स लिव्ड, और जहाँ पे लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे क्या रहता था, मूर्स लिव्ड। द कैप्टन सेंड मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। तो वहाँ पे देखो सॉरी कहाँ गया, वेयर पीपल कॉल मूर्स लिव, द कैप्टन सेंड मैसेज टू द किंग। तो जो कैप्टन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका जो सॉरी कहाँ पे थे हम, जब वो बारबरी पहुँचता है तो वहाँ पे मूर्स लिव करते थे, मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते थे उनको मूर्स ऐसे बोलते थे। तो उनके जो कैप्टन है, जो शिप का कैप्टन था, उसने एक मैसेज भेजा किसको, किंग को, टू से ही हैड फाइन गुड, कि उसने मैसेज भेजा कि उसके पास बहुत अच्छे गुड्स है सेल करने के लिए, बेचने के लिए। ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम, कि बोल रहेगी उनको, बोलो कि मुझे इनवाइट करे अपने पैलेस में, अपने महल में, वो चीज़ें दिखाने के लिए। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, सम डिशेज ऑफ फूड वर brought in, but almost immediately rat and mice run up with before the captain's eye at all the food। उसके बाद जब वो कैप्टन उसके पैलेस में जाते हैं, वहाँ के किंग और क्वीन के अफ्रीका में, ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ डिशेस लेके आते, फूड brought in, but almost immediately, लेकिन जैसे फूड लेके आते वहाँ रखते हैं, immediately क्या होता है, वहाँ पे जो rat और mices है, ठीक है, चूहा चूहे हैं, वो लोग रन अप करते हैं, और जब तक कैप्टन उन फूड को देखता तब तक क्या हुआ, ऑल फूड आर एट, मतलब कि वो चूहे लोग ने क्या किया, खा लिया। द कैप्टन वॉज एस्टनॉइज्ड एंड आस्क, दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपन। तो फिर वो जो कैप्टन है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मली ऐसे ही होता है क्या हमेशा, कि जो माइसेस है या रेट है वो आता है और आपका जो भी सामान है वो ख़राब करता है या खा लेता है। तो बोलता है अलाश यस, मतलब कि दुख के साथ बोलता है हाँ, कम द रिप्लाई। तो रिप्लाई को क्या मिलता है, हाँ, कि यहाँ पे नॉर्मली ऐसे, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माइस और रेट्स होते हैं। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग ऑफ रेट एंड माइस, वी कैन नॉट गेट रिच ऑफ देम। तो बोल रहे हैं यहाँ पे वो लोग किससे सफ़र कर रहे हैं, प्लेग से। अब देखो यहाँ पे प्लेग का मीन्स क्या है, अ थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल। अगर हम किसी चीज़ से ग्रेट ट्रबल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ को क्या बोलते हैं, प्लेग। तो ये लोग यहाँ पे किससे ट्रबल हो रहे थे, माइस एंड रेट से, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लेग था, वी आर कैन नॉट गेट रिच ऑफ देम, और हम इससे बच नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, सेड द कैप्टन। तो कैप्टन बोलता है शायद से इसका आंसर मेरे शिप में है, मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास है, और वो कहाँ है, मेरे शिप पे है। और वो देखो अब हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे कि वो क्या हो सकता था, ये कैट, क्योंकि कैट ही क्या करेगा, जितने भी रेट एंड माइसेस है उसको खाएगा। एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट इन टू द पैलेस। और वो फिर अपने यहाँ उसके जो लोग होते हैं शिप के, और लोग को मैसेज भेजता है, बोलता है डिक का जो कैट है उसको पैलेस में लेके आओ। मोर फूड वॉज लेट आउट एंड द रेट एंड माइस अपेयरिंग एज बिफोर। बोलते कि और भी बहुत सारे फूड और ये सारी चीज़ें आती, लेकिन जो रेट एंड माइस थे वो लोग क्या करते थे, उसको वो हम लोग उसको देखे उसके पहले वो लोग सारी चीज़ें खा जाते थे। द कैट इमेडिएटली पाउच्ड,
किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। और वो जैसे ही आया, कौन, कैट, उसने क्या किया, डजन्स ऑफ माइस थे और रेड थे, उनको क्या किया, किल कर दिया इमेडिएटली। एवरी वन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क वॉट डू यू कॉल दिस एनिमल। तो जो वहाँ पे एवरीवन क्या थे, बहुत ही डिलाइटेड, मतलब एकदम अरे आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसे क्या हुआ, ये एनिमल तो फटाफट क्या कर रहा है, माइस और रेड को खा रहा है। द क्वीन आस्क, तो क्वीन जो थी वो पूछती है, वॉट डू यू कॉल दिस एनिमल, तुम इस एनिमल को क्या बोलते हो। शायद से उन लोगों को क्या था, ये जो कैट एनिमल है उनके यहाँ अफ्रीका में मिलता या पाया नहीं जाता था, तो उन लोगों का इसका कोई भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद में बोला कि आप लोग इस एनिमल को क्या बोलते हैं। पुश इज द नेम एंशर शी एंशर्स टू, सेट द कैप्टन, एंड व्हेन द क्वीन कॉल पुश पुश द कैट वेंट ओवर हर एंड प्योर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फिर उसने उसको नाम, उसने बोला ना व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, तो उसने बोला कि इसका नाम क्या है, पुश है, आंसर दिया। और फिर जो कैप्टन है, एंड व्हेन ही क्वीन कॉल, और फिर उसको क्वीन उसको बुलाती, बोलती पुश पुश द कैट वेंट ओवर हर, फिर वो जो कैट है उसके पास चली जाती है और उसका फिर उसका पीठ थपथपाती है वो क्वीन, ठीक है, प्योर करती है। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म एट फर्स्ट, देखो यहाँ पे अलार्म मतलब कि वो थोड़ी सी घबराई हुई रहती है, कौन, क्वीन, क्योंकि उसने देखा एज शी हैड सीन हाउ फायरलेसली द कैट, क्योंकि देखो क्यों अलार्म रहती शौक, क्योंकि उसने देखा पहले कि जो ये कैट थी वो कैसे झपट झपट के क्या कर रही थी, जो बिल्ली, अरे सॉरी, जो माइस थी उस पर कैसे अटैक कर रही थी रेड, देखो अटैक्ट ऑन रेड एंड माइस। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी अनएक्शियस, लेकिन जो वो क्या क्वीन थी वो डर रही थी, ठीक है, घबरा रही थी, तो फिर उसको कैप्टन ने बोला कि डोंट टू बी अनएक्शियस, कि ज़्यादा घबराओ मत, पुशी इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल, क्योंकि ये जो पुश है ये क्या है, जो पीपल है उनके साथ में बहुत फ्रेंडली रहता है, ही सेड, एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ योर रेट एंड माइस, बोलता कि और बहुत ही जल्दी ये क्या करेगा, आपके किंगडम को रेट एंड माइस से रीच, दैट मीन छुटकारा दिला देगा। आई वुड गिव ग्रेट वेल टू ओन दिस एनिमल, सेट द क्वीन। सो द कैप्टन बिगिन बार्गेनिंग, तो यहाँ पे रानी क्या बोलती, आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू दिस एनिमल, मैं इस एनिमल के लिए क्या करूँगी, बहुत वेल्थ मतलब पैसा होता है, तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा क्या करूँगी, वेल्थ मतलब कि पैसे दूंगी इस एनिमल के लिए, कौन बोलता है, क्वीन। सो द कैप्टन बिगिन बार्गेनिंग, तो फिर जब कैप्टन क्या करता है, अपना बार्गेनिंग करना मतलब मोल भाव करना स्टार्ट करता है, एंड इट वॉज एग्रीड दैट किंग वुड बाय वोल कार्गो, तो फिर यहाँ पे जो किंग है वो एग्री हो जाता है, किस लिए एग्री होता है, वुड बाय वोल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्स वॉरेन, वो बोलता है कि हाँ मैं जो फिट्स वॉरेन के कार्गो में मतलब कि जहाज़ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मैं खरीद लूँगा, शिप टू पे अ फाइन प्राइस, और मैं उनको अच्छा कीमत भी दूँगा फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन, बोलता है जो सामान है उसके लिए तो वो फाइन प्राइस पे करेगा, बट कैट अलोन, सिर्फ कैट के लिए अकेले वो क्या करने वाला था, किंग पेड 10 times द सम अगेन, उसके लिए वो 10 गुना पैसे सिर्फ कैट की वजह से चुकाने के लिए रेडी था, क्योंकि उसने क्या किया, उसके किंगडम को रेड फ्री कर दिया। व्हेन द शिप कम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंदन, और देखो वहाँ पे सारी चीज़ हो गई, डील हो गई, सारे फिट्स वॉरेन के जो सामान है वो बिक गए थे, अब जब वो लोग अपना शिप को क्या करे थे, कम बैक वापस से लंदन लेके आए, द कैप्टन शो मिस्टर फिट्स वॉरेन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबरी एंड टोल्ड हिम टू द स्टोरी ऑफ कैट। देखो जब वो आया उसका कैप्टन, और जब उसने फिट्स वॉरेन को बताया, दिखाया, क्या दिखाया, गोल्ड दिखाया, ज्वेल्स दिखाया, जो उसने ब्रॉड की मतलब कि जो बारबरी से वो सारी चीज़ें क्या किया था, लेकर आया था खरीद के, और उसने क्या की, वो जो कैट की पूरी स्टोरी थी जो अफ्रीका में हुई थी वो सारी एक स्टोरी किसको बताई, मिस्टर फिट्स वॉरेन को बताई, ठीक है। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, तो उन्होंने उसने बताया कि जो ये मर्चेंट है उसने ये किसके लिए भेजा है, डिक के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने कैट को दिया था, और कैट किसकी थी, डिक की थी। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन
फॉर यू आर अ रिच मैन, उसके बाद में फ्रॉम नाउ ऑन, तो फिर वो क्या बोलता है कि अब से हम लोग, डिक को क्या बोला उसने कि वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, अब हम लोग आपको क्या बोलेंगे, डिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिस्टर विटिंगटन, क्यों, क्योंकि अब तुम क्या हो गए, यू आर अ रिच मैन, क्योंकि देखो वो कैट की वजह से उसने क्या किया था, 10 गुना ज़्यादा पैसे उसको दिए थे कैप्टन को, तो अब ये क्या, और वो सारे पैसे किसको मिलते हैं, डिक को, क्योंकि वो किसकी कैट थी, डिक की, तो डिक क्या हो गया था अब रिच मैन. मिस्टर फ्रिट्स वॉरेन देन पेड हिम ऑल द मनी एंड कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, जो रिसीव किए उसने कैट के वजह से पैसे रिसीव किए थे, ठीक है, वो सारे पैसे उसने क्या किए, इसको दे दिए, फ्रिट्स वॉरेन को पेड कर दिए, और फ्रिट्स वॉरेन फिर डिक को दे देता. From this time on, Dick worked with Mr. Fritz Warren and become a successful merchant himself. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो डिक है वो बड़ा भी होते गया और वो मिस्टर फ्रिट्स वॉरेन के साथ में अपना काम करने लगा और become a successful merchant himself. और वो अपने आप से क्या बन गया, एक बहुत ही successful, सफल merchant बन गया. He married Mr. Fritz Warren's daughter Elisa and 3 times he was इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. और वो इतना रिच हो चुका था कि वो अब किससे शादी कर लिया था, जो फिट्स वॉरेन की डॉटर थी एलिसा, उससे उसने शादी भी कर लिया. एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और वो 3 बार क्या हो चुका था, उसको इलेक्टेड मतलब कि सिलेक्ट किया गया था लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन का वो लॉर्ड मेयर भी बना था 3 बार. ही वॉज ऑल्सो इन द टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकम सर रिचर्ड विटिंगटन. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही वॉज ऑल्सो अ टाइम ऑफ नाइटेड, देखो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है, गिवेन अ हाईली हॉनर टाइटल, जिसको बहुत बड़ा एक क्या मिलता है, टाइटल उसके नाम के आगे मिलता है, ठीक है, तो वो इसको जो ये इतना रिच बन चुका था कि अब इसको भी उसके नाम के आगे ये टाइटल मिल रहा था, बाय द किंग एंड बिकम सर रिचर्ड विटिंगटन. अब देखो उसको ये टाइटल मिल गया था और इसका टाइटल अब उसके नाम के आगे क्या लगता था, सर रिचर्ड विटिंगटन, ठीक है, पहले डिक था, डिक से क्या बन गया, वे मिस्टर विटिंगटन, अब वो इतना हो गया था कि अब उसको एक टाइटल मिल, क्योंकि वो मेयर ऑफ लंदन बन गया था, तो सर रिचर्ड विटिंगटन. ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ऑल्सो पॉपुलर टू, और ये फेमस भी नहीं, सिर्फ फेमस ही नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था लंदन में. फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, क्योंकि वो अपने पैसे से हमेशा किसको हेल्प करता था, जितने भी पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, उनकी हेल्प भी करता था, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस हो गया था. सम टाइम व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट. अब जब कुछ समय के बाद जब ये बहुत ही ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये हो जाएगा, मतलब ओल्ड हो जाएगा, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये स्टोरी, कौन सी स्टोरी, स्टोरी ऑफ हिज कैट, अपनी कैट की स्टोरी बताएगा. एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन, और जो वो वहाँ पे भाग गया था, तो जो चर्च में जो क्या हो रहा था, लंदन की चर्च में जो बेल रिंग हो रहा था, उसकी भी स्टोरी. हैड कॉलन हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो सिर्फ क्या था, एक बेचारा लड़का था, तब उसको क्या किया था, कैसे वो लंदन की जो बेल रिंग हो रही थी और उसने बुलाया था, उसको क्या बोल रही थी, ट्रू अगेन बिगिन टर्न अगेन विटिंगटन थो वर्थी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, क्योंकि देखो उसको ये जो रिंग बेल से ये चीज़ें उसको सुनाई दे रही थी, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको गॉड ऐसा बोल रहे हैं कि टर्न अगेन विटिंगटन, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ के क्या बनने वाले हो, वर्थी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच सिटीजन बनने वाले हो, और तुम क्या हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम लंदन के लॉर्ड मेयर हो, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है, और आप लोग ने जो लास्ट टाइम किया था यहाँ पे होमवर्क में, उसके साथ में कंटिन्यू क्वेश्चन आगे पीछे होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोटबुक में आपको फिर से क्या करना है, जो भी रह गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, फिर से अपने नोटबुक में कंप्लीट करोगे, ठीक है. ये हो गया था, आई थिंक सो. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग,
ठीक है, आपको इसके लिए एक वर्ड चूज करना है ऊपर जो आपकी स्टोरी में है उसके लिए। अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। देखो हम लोगों ने देखा था एक क्या था, वर्ड था जिसका मीनिंग था स्मॉल रूम बिलो द स्लोपिंग रूफ, तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखना है। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के बीच में जो एकदम नैरो प्लेस था उसका भी कुछ यहाँ पे नेम और वर्ड आया था, वो आपको क्या करना है लिखना है। एक मिनट में आपको एक दिखा देती हूँ कहाँ गया। देखो सपोज यहाँ पे आया था ना कॉर्नर ऑफ एली, दिखा एली, तो एली का मीनिंग देखो हम लोगों ने देखा था अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड द बिल्डिंग, बिटवीन के बिल्डिंग के बीच में जो जगह होती है नैरो छोटी सी पतली सी उसको क्या बोलते हैं एली, तो उसको हम लोगों को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, तो सिर्फ हम वहाँ पे क्या लिखेंगे एली। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है सब कुछ जुड़ना, और ये आपको ये जो मीनिंग लिखोगे ना हार्ड वर्ड्स के उसको लर्न कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे। ठीक है, तो ये कर लेना, और ये तो शायद मैंने आपको दिया था आप लोग लेकिन होमवर्क करके मुझे रीसेंड नहीं करते हो। ये मैंने आपको रखा था होल्ड पे, देखो रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट दे अकर इन द स्टोरी पुट करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। हम लोगों को नंबर में ये सॉरी बॉक्सेस में क्या करना है करेक्ट नंबर डालना है, जैसे कि इसमें आया था ना कि इसमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो स्टोरी में सबसे पहले आई हो और फिर उसके बाद में आई हो उसको सेकेंड नंबर, फिर उसके बाद आई हो तो थर्ड। अभी देखो यहाँ पे मेजर फ्रिट्स वॉरन प्रोवाइड शेल्टर टू डिक, उसको देखो डिक जो डिक था उसको क्या कहता शेल्टर तो प्रोवाइड किया था घर, लेकिन कब किया था अभी ये पूरे जब सारे सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहले कौन सा आएगा। यहाँ पे अ कार्टर गिव डिक अ लिफ्ट टू लंडन, देखो जो ये फर्स्ट सेंटेंस है उससे पहले ये चीज़ हो गई थी, वो कार्टर उसको मिला था। ठीक है, फिर अ केट सेल टू द अफ्रीका कॉज द कैप्टन सोल्ड कर फॉर वेरी हाई अमाउंट, तो आपको वो सब क्या करना है धीरे धीरे यहाँ पे नंबर डालना, मुझे लग रहा है सेकंड वाला पहले फर्स्ट नंबर आएगा फिर जो उसके बाद में उसको घर मिला था सेकंड, तो ऐसे आप ये पूरा रीड करो और कंप्लीट करोगे। थिंक एंड आंसर करना है व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून, ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसको लेने के बाद जो डिक गया उसका पूरा फॉर्च्यून चेंज हो गया। व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर, यह हम यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 भी 300 हो गया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने वाली थी, तो ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है आपको नोटबुक में नहीं, आपको एक अपनी ग्रामर की बुक बनानी है प्रिपेयर करनी है और उसमें ये हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या करेंगे लिखेंगे, तो उसके लिए पहले क्या करना ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अलग से सिर्फ डिग्री के ऊपर वीडियो बना के सेंड करूँगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।